जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे बातें करने वाले हैं अबाउट द ओव्यूल, बीजांड के बारे में। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग बीजांड के भाग के बारे में जान गए थे, उसके जो भाग थे बाह्य आवरण, अंत आवरण, बीजांड काय, फनिकल, इसके पश्चात निभाग और भ्रूणपोष, इन सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। तो गाइज, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वह है बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो गाइज, जो बीजांड होता है वह मुख्यतः छह प्रकार का होता है। पहला होता है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा होता है एनाट्रोपस, तीसरा होता है हेमी एनोट्रोपस, चौथा होता है कैंपा इलोट्रोपस, पांचवा होता है एम्फीट्रोपस, छठवां होता है सर्सिनोट्रोपस। तो गाइज, इतने प्रकार के बीजांड होते हैं और इनका इस प्रकार से चित्र होता है। गाइज, ऑर्थोट्रोपस इस प्रकार का होता है, एनाट्रोपस इस प्रकार का होता है, हेमी एनाट्रोपस इस प्रकार का होता है, और ये है कैंपा इलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो गाइज, इसमें हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या अंतर है। तो गाइज, यह जो ऑर्थोट्रोपस है, इसमें आप लोग देख रहे हैं इसका यह जो निभाग है, इसके पश्चात भ्रूणकोश व बीजांड द्वार, तीनों एक सरल रेखा में स्थित हैं, तीनों एक सरल रेखा में स्थित हैं। तो इस प्रकार की बीजांड की संरचना को हम लोग ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। गाइज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पान, काली मिर्च, पॉलीगोनम। पान, काली मिर्च, पॉलीगोनम, गाइज इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ऑर्थोट्रोपस के। गाइज, ऑर्थोट्रोपस एक बार फिर समझ लिए, इसमें निभाग, भ्रूण और बीजांड द्वार, निभाग, भ्रूण, बीजांड द्वार, तीनों एक सरल रेखा में स्थित होते हैं। अब गाइज देख लीजिए, यहाँ पे एक सरल रेखा है और तीनों एक सरल रेखा में स्थित हैं। तो इस प्रकार के संरचना जो होते हैं, पान, काली मिर्च, पॉलीगोनम, तीनों संरचनाओं में, तीनों प्रकार के पादपों में पाई जाती हैं। तो गाइज, आप लोग ऑर्थोट्रोपस के बारे में समझ लिए। अब दूसरा है एनाट्रोपस। गाइज, जो एनाट्रोपस है, इसमें बीजांड वृंत, जो इसका यह बीजांड वृंत है, यहाँ पर है बीजांड वृंत, तो इसमें इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई है। गाइज, जो यहाँ पर है बीजांड वृंत, इसमें इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जिसके कारण जो यह भ्रूण है या बीजांड द्वार के निकट आ गया, या जो बीजांड वृंत है, या जो इस पर यहाँ तक बीजांड वृंत है, बीजांड को जो घेरे हुआ है, जो बीजांड को घेरे हुआ है, इसमें इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई। मतलब गाइज, इतना या ऊपर से बड़ा हो गया कि जो भ्रूण है या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कहाँ, अर्थात बीजांड द्वार की तरफ चलाया है। गाइज, इसमें अत्यधिक वृद्धि के कारण भ्रूणकोश बीजांड के पास चला आता है। गाइज, यह हो गया, इसमें किसके कारण चला आता है, या जो है बीजांड वृंत, इसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण यह, अब कोई भी चीज़ है, जैसे ऊपर अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे काफ़ी ढीला हो जाएगा, तो कोई भी वस्तु रखेंगे तो वह नीचे ही जाएगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सकरा है, यहाँ पर अत्यधिक ढीला है, जिसके कारण जो भ्रूण है वो बीजांड द्वार के करीब आ गया। तो गाइज, बीजांड वृत्त में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण भ्रूण बीजांड वृंत के निकट चलाता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को एनाट्रोपस भ्रूणपोष कहते हैं, एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड को एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। गाइज, यह पाया जाता है चना, मटर, सेम, अरंडी, गुलमेहंदी। चना, मटर, सेम, अरंडी, गुलमेहंदी, इन तीनों, इन इस प्रकार के पादपों में, ये जो पांचों प्रकार के पादप हैं, इसमें इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। इसके पश्चात गाय, जो तीसरा है, तीसरा है हेमी एनाट्रोपस। गाय, जो हेमी एनाट्रोपस है, इसमें जो है बीजांड द्वार, ये आप देख लीजिए, बीजांड द्वार व भ्रूण व निभाग तीनों क्षैतिज हैं, तीनों क्षैतिज हैं, और यह जो बीजांड वृंत है, या जो यहाँ पर बीजांड वृंत है, इसके साथ समकोण बना रहे हैं। गाइज, देख लीजिए, यहाँ पे बीजांड वृंत है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर समकोण बनेगा। तो गाइज, इसमें जो हेमी एनाट्रोपस होता है, इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग, आप लोग देख लीजिए, यह है बीजांड द्वार, यह है निभाग और यह है भ्रूण। तो ये तीनों क्षैतिज स्थिति में है, और इसके जस्ट विपरीत होता है ऑर्थोट्रोपस, इसमें ये दोनों अभिलंबवत एक सरल रेखा में स्थित होते हैं, और इसमें क्षैतिज एक सरल रेखा में स्थित है। तो गाइज, इस प्रकार के जो होते हैं बीजांड, रैनकुलस पादपों में पाए जाते हैं, रैनकुलस पादपों में पाए जाते हैं, इसमें बीजांड द्वार सिरा, निभाग व भ्रूण,
तीनों क्षैतिज सरल रेखा में स्थित होते हैं। जस्ट इसके विपरीत ऑर्थोट्रोपस में बीजांड द्वार भ्रूण निभाग तीनों अभिलंबवत सरल रेखा में स्थित होते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए। इसके पश्चात चौथा है कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस तो गाइज इसमें क्या होता है, इस प्रकार का बीजांड जो यह बीजांड है इस प्रकार मुड़ जाता है, जो इसमें बीजांड है इस प्रकार मुड़ जाता है कि बीजांड द्वार निभाग, जो इसमें यह बीजांड द्वार है और यहाँ पर निभाग है, लिख देते हैं तो गाइज यह बीजांड इस प्रकार मुड़ जाता है कि बीजांड द्वार तथा निभाग ये एक सीध में नहीं रहते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर है बीजांड द्वार और यहीं पर बीजांड वृन्न। तो यह जो बीजांड द्वार है यहीं पर, और गाइज यहाँ पर है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो गाइज आप लोग देखिए यहाँ पर जो बीजांड द्वार है ये तीनों एक सरल रेखा में स्थित नहीं है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से स्थित है, कुछ इस प्रकार से स्थित है। तो गाइज जो यहाँ पर है बीजांड इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड द्वार भ्रूण व निभाग तीनों क्षैतिज स्थित में स्थित नहीं होते हैं, और यह जो होता है यह बीजांड वृंत के पास चलाता है, या जो भ्रूण है या बीजांड वृंत के पास चलाता है। तो गाइज इसमें क्या होता है, आप लोग ये रियली जान लीजिए कि इसमें जो होता है निभाग भ्रूण बीजांड द्वार स्थित एक क्षैतिज रेखा में स्थित नहीं होते हैं तथा भ्रूण व बीजांड द्वार समकोण पर स्थित होते हैं। गाइज अगर आप इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको 90 अंश का कोण मिलेगा। तो गाइज इसमें क्या है, इस प्रकार के बीजांड में निभाग भ्रूण बीजांड द्वार एक सरल रेखा में स्थित नहीं होते हैं, भ्रूण व बीजांड द्वार के बीच 90 अंश का कोण पाया जाता है, 90 अंश का कोण पाया जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग कैंपाइलोट्रोपस कहते हैं। अब गाइस इसका एग्जांपल हो जाएगा लेग्योमिनेसी व चीनोपोडिएसी। लेग्योमिनेसी व चीनोपोडिएसी वर्ग के पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। लेग्योमिनेसी व चीनोपोडिएसी वर्ग के पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। किस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, कैंपाइलोट्रोपस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। इसके बाद गाइस जो हम लोगों का पांचवा है वह है एम्फीट्रोपस। गाइस एम्फीट्रोपस क्या होता है, यह बीजांड की तुलना में अत्यधिक, गाइज इसका जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं या इसका जो बीजांड है या इस प्रकार से मुड़ गया है कि इसका आकृति एक घोड़े के नाल के जैसा हो गया। गाइज जो इसका आकृति है एक घोड़े के नाल के जैसा हो गया। घोड़े का नाल मतलब इसी प्रकार से ही तो होता है, घोड़े के नाल के जैसा। तो गाइज इसकी संरचना सेम ऐसे ही है, यही है गाइज कि ये इसका बीजांड जो है इस प्रकार से मुड़ गया है। और किसके गाइज, इसका और इसका जो कैंपाइलोट्रोपस व एम्फीट्रोपस है यह इससे अधिक मुड़ गया है। जो एम्फीट्रोपस है यह कैंपाइलोट्रोपस से अत्यधिक मुड़ गया है। जो एम्फीट्रोपस है इसका बीजांड कैंपाइलोट्रोपस से कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है कि इसका जो बीजांड का आकार है यह है, इसका जो बीजांड का आकार है यह घोड़े की नाल के जैसा बन जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग एम्फीट्रोपस कहते हैं, एम्फीट्रोपस कहते हैं। गाइज एक बार फिर से कि एम्फीट्रोपस का बीजांड कैंपाइलोट्रोपस से अत्यधिक इस प्रकार मुड़ जाता है, अत्यधिक इस प्रकार मुड़ जाता है कि इसकी आकृति जो होती है वह घोड़े के नाल के जैसे हो जाते हैं। घोड़ा का नाल क्या होता है, जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में पहनाया जाता है दौड़ते समय, ताकि उनका जो पैर का निचला भाग जिसे खुर बोलते हैं वो किसी प्रकार का क्षति ना हो उसमें, तो उसे हम लोग घोड़े का नाल कहते हैं, घोड़े के पैर में होता है। तो गाइज इसकी जो संरचना है घोड़े के नाल के जैसा है, तो इसे हम लोग एम्फीट्रोपस कहेंगे। इसके पश्चात गाइज हम लोगों का छठवां है सर्सिनोट्रोपस। बीजांड का यह जो भाग है या इसमें बीजांड वृंत जो है, यह जो बीजांड वृंत है इतना अत्यधिक वृद्धि हो जाता है, इसमें अत्यधिक वृद्धि के पश्चात
यह उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी, मतलब गाइज यह इस प्रकार से भी हो सकता है, जो इसकी संरचना है कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से। तो गाइज जो इसका बीजांड वृंत है इसमें अत्यधिक वृद्धि होने के कारण यह घूमकर सीधा व उल्टा दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग सर्सिनोट्रोपस कहेंगे। गाइज एक बार फिर से, सर्सिनोट्रोपस बीजांड का जो होता है, सर्सिनोट्रोपस बीजांड का बीजांड वृंत इतना अत्यधिक बढ़ जाता है कि इसमें पाया जाने वाला बीजांड या उल्टा व सीधा हो सकता है। तो इस प्रकार के बीजांड को सर्सिनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है नागफनी, गाइज इसमें जो है इसमें निभाग, इसके पश्चात भ्रूण व बीजांड द्वार तीनों अभिलंब सरल रेखा में स्थित हैं। और इसमें क्या है, इसमें बीजांड द्वार और जो निभाग है और जो भ्रूण है इसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई। किसमें, यहाँ पर जो बीजांड वृंत है इसमें इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई है कि यह जो भ्रूण है यह बीजांड वृंत के निकट चला आया है, और गाइस तीसरा में इसमें बीजांड वृंत भ्रूण निभाग क्षैतिज स्थित में एक सरल रेखा में स्थित होते हैं। और गाइस जो चौथा है इसमें बीजांड इस प्रकार से मुड़ जाता है कि निभाग भ्रूण बीजांड द्वार तीनों एक सरल रेखा में स्थित नहीं होते हैं तथा भ्रूण व बीजांड द्वार के बीच समकोण बनता है या ये अभिलंबवत स्थित होते हैं। पांचवा है यह जो एम्पीट्रोपस बीजांड है कैम्पाइलोट्रोपस की तुलना में इस प्रकार से मुड़ जाता है कि इसका जो बीजांड है इसका संरचना घोड़े के नाल के जैसा बन जाता है। इसके पश्चात गाय छठवां है, इसमें जो बीजांड वृंत है इसमें इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई है कि यह उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है। तो गाइस हम लोग बीजांड के बारे में जान लिए, अब आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांड का भ्रूणी परिवर्धन या बीजांड में परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जैसे पहले तो यहाँ पर पहले चित्र में बना यहाँ पर पुष्प का मादा जननांग का भाग, तो यहाँ पर है हम लोगों का स्टिग्मा, यहाँ पर है स्टाइल और यहाँ पर है ओवरी, ओवरी में पाया जाता है ओव्यूल, ओव्यूल में यहाँ पर है हमारा एम्ब्रियो सैक, अभी बना नहीं है, अभी यह खाली है। कैसे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, 7 कोश के 8 न्यूक्लिएट का कैसे निर्माण होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे गाइज, यही हम लोगों का टॉपिक है। तो गाइज अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, नए भ्रूणपोष का निर्माण हुआ है, नई प्रपोषी कोशिकाएं यहाँ पर है। लेकिन गाइज अब यहाँ पर प्रपोषी कोशिकाएं हैं, प्रपोषी कोशिकाएं के द्वारा ही तो केंद्रक का निर्माण होता है, तो यहाँ पर प्रपोषी कोशिकाएं। तो गाइज अब दूसरे वाले चित्र में क्या है, यहाँ का जो ओव्यूल है, जो यहाँ का बीजांड है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ओनली बीजांड जूम करके इसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो गाइज अब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि यह जो बीजांड है इसमें कई प्रकार के लेयर पाए जाते हैं, यहाँ होता है चैलेजा, यहाँ होता है माइक्रोफाइल या एम्ब्रियो सैक, लेकिन अभी इसको एम्ब्रियो सैक नहीं कहेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर इसका निर्माण नहीं हुआ है। यह है आउटर लेयर और यह इनर इंटेग्यूमेंट, और यह है आउटर इंटेग्यूमेंट, यहाँ पर है चैलेजा, इसके पश्चात यहाँ पर है नुसेलस। गाइज इन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो गाइज पहले हम लोग इसके बीजांड को लिए, अब इसमें से कैसे 7 कोश के 8 न्यूक्लिएट का निर्माण होता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज यहाँ पर पाई जाती हैं प्रपोषी कोशिकाएं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रपोषी कोशिकाएं। गाइज ये ढेर सारी होती हैं। तो गाइज अब यहाँ पर जो बीजांड का भाग है इसमें प्रपोषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो प्रपोषी कोशिकाएं हैं इनमें से एक कोशिका, आप लोग यहाँ पर देखिए इस चित्र में कि जैसे इनमें से एक कोशिका जो है वृद्धि करके उभर आई, यहाँ पर इस प्रकार से सभी प्रपोषी कोशिकाएं थी, इसमें से केवल एक कोशिका वृद्धि करके उभर आई।
अव्यवृद्धि करके उभर आए, तो अब इसमें समसूत्री समविभाजन होगा। गाइज अब यह उभर आई तो जो इसकी पोलरिटी होगी वह यन होगी, यन होगी। तो गाइज अब समसूत्री समविभाजन होगा, इसमें कुछ समय के पश्चात अब यह मेच्योर हो जाएगा। ऐसा है तो नहीं गाइज उभरा तुरंत बस विभाजन होना शुरू हो गया, नहीं, जब यह पूर्ण रूप से परिपक्व मेच्योर हो जाएगा तब यहाँ पर समसूत्री समविभाजन होगा। तो गाइस समसूत्री समविभाजन क्या होता है, वह विभाजन जिसमें कोई गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था का ही प्रारंभिक होता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था के ही उतना होता है, उसे हम लोग समसूत्री समविभाजन कहते हैं। और समसूत्री अर्धविभाजन, जब कोई गुणसूत्र में होने वाला वह विभाजन जिसमें वह अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है उसे हम लोग समसूत्री अर्धविभाजन बोलते हैं। मियोसिस और इसे बोलते हैं माइटोसिस, जिसमें कोई भी गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था का उतना ही रहता है, इसे समसूत्री समविभाजन कहते हैं। तो गाय जब इसकी पोलरिटी यन है तो अब यहाँ पर यह मेच्योर हुआ, कौन सी कोशिका हुई, प्रपुष्टी कोशिका, अब इसे हम लोग जनन कोशिका बोल सकते हैं। अब गाय यह जो जनन कोशिका है यह मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के पश्चात इसमें म्यूटेशन की वजह से यह दो भागों में बटा। तो गाय जब यह दो भागों में बटेगा तो आप भी इसकी पोलरिटी यन है, तो हम लोग जानते हैं समसूत्री समविभाजन में जो गुणसूत्र होता है जितना उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है उतनी उसकी अंतिम अवस्था होती है। तो गाइज अब यह जो है यहाँ पूर्ण रूप से मेच्योर हुआ और यह दो भागों में म्यूटेशन की वजह से दो भागों में विभक्त हो गया। तो गाइज अब जो इसकी पोलरिटी है यन है और इसकी भी पोलरिटी यन है, क्योंकि गाइज इसमें समसूत्री समविभाजन हुआ। फिर गाइज आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात जब ये दोनों मेच्योर होंगे, ये दोनों मेच्योर होंगे तो ये दोनों भी इनमें भी म्यूटेशन होगा। तो गाइज इनमें जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन के पश्चात फिर इनमें भी समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री समविभाजन। तो गाइज अब इसमें समसूत्री समविभाजन होगा तो ये चार कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे, इन सभी की पोलरिटीयन ही होगी, इसकी पोलरिटीयन, इसकी पोलरिटीयन, इसकी पोलरिटीयन और इसकी पोलरिटीयन। तो गाइज इन सभी की पोलरिटीयन है। तो गाइज अब नेक्स्ट चरण में क्या होगा, यहीं से ये जो तीन कोशिकाएँ हैं, जो तीन कोशिकाएं हैं ये पोषण नहीं पाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ की पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये कुछ इस प्रकार से कार्य करती हैं कि केवल एक ही कोशिका, एक ही बीजाणु को पोषण प्रदान करेगी। अब वह चाहे जो भी हो, चाहे यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी और यह भी। तो गाइज अब यहाँ से जो तीन कोशिकाएं ये डिजेनरेटिव हो जाएंगे, मतलब यह पोषण नहीं पाएंगी, पोषण ना पाने की वजह से यह मृत हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो इतनी प्रपुष्टी कोशिकाएं सब नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली ओनली वन जनन कोशिका, केवल वन जनन कोशिका बचेगा या एक कोशिका बचेगा। तो गाइज अब इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, या हम लोगों का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, अब एम्ब्रियो सैक में जो है एक जनन कोशिका का निर्माण हो गया है। अब यह जनन कोशिका कैसे विभाजित होकर सात कोश की आठ न्यूक्लियेट का निर्माण करेगा, इसके हम लोग अभी अगले वाले चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा, फर्स्ट हुआ प्रपुष्टी कोशिका है, इनमें से एक कोशिका उभर कर आए, इसकी पोलरिटी यन हुआ। आफ्टर दैट इनमें सम टाइम मेच्योर अवस्था में या समसूत्री समविभाजन पश्चात दो जनन कोशिका का निर्माण कर दिया, दो सेल्स का निर्माण कर दिया। अब ये जब मेच्योर होंगे तो कुछ समय के पश्चात इनमें समसूत्री समविभाजन के पश्चात यह दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में विभाजित होने के पश्चात फिर यह विभाजित होगा, इसमें समसूत्री और समसूत्री समविभाजन पश्चात यह चार भागों में विभाजित हो जाएगा, चार भागों में विभाजित होने के पश्चात तीन कोशिकाएं इसमें पोषण नहीं पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात गाइस इसमें से केवल एक कोशिका बचेगा। अब यह को एक कोशिका कैसे सात कोशिका आठ न्यूक्लियर को बनाता है हम लोग नेक्स्ट चित्र में समझते हैं। तो गाइस तब तक आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके पहले हम लोग देखे थे कि एक कोशिका का निर्माण हुआ है, तो अब वह एक कोशिका जो है उसकी संरचना यहाँ पर है। इसके पश्चात एक कोशिका जो है यह जब पूर्ण रूप से परिपक्व होगा, मेच्योर होगा, मेच्योर होने के पश्चात गाइज यहाँ पर इसमें समसूत्री समविभाजन होगा। गाइज इसमें ऑल प्रोसेस में हमेशा समसूत्री समविभाजन, माइटोसिस, समसूत्री समविभाजन होगा,
हमेशा समसूत्री समविभाजन होगा। तो अब गाइस यहाँ पर एक सेल था, हम लोग इसके अगले वाले चित्र में देखे थे एक सेल था, अब वह एक सेल में म्यूटेशन की वजह से जब वह मेच्योर अवस्था होगा तब उसका, तो मेच्योर अवस्था में म्यूटेशन की वजह से जो है वह म्यूटेशन की वजह से समसूत्री समविभाजन के दौरान वह दो कोशिका का निर्माण करता है। अब गाइस ये दो कोशिका जो होती हैं एक ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ एक चली जाती है, एक निभाग की तरफ चली जाती है, एक बीजाणुधारी सिरा की तरफ, एक चली जाती है निभाग की तरफ चैलेजा की तरफ, एक चली जाती है माइक्रोफाइल की तरफ, एक चली जाती है बीजाणुद्वार की तरफ। तो गाइस एक निभाग की तरफ चली जाती है, एक बीजाणुद्वार की तरफ चली जाती है। तो गाइस ये देखिए या निभाग की तरफ चली आई या बीजाणुद्वार की तरफ चली आई। तो इनमें से ये जो फर्स्ट कोशिका से म्यूटेशन हुआ समसूत्री समविभाजन के पश्चात यहाँ पर दो कोशिका का निर्माण हुआ। अब ये दोनों कोशिका एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी, तो एक चली आएगी निभाग की तरफ, दूसरा चलाया जाएगा बीजाणुद्वार की तरफ। अब गाइस नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये दोनों जो कोशिकाएं हैं समसूत्री समविभाजन करेंगी। जब मेच्योर होंगे तो फिर से ये समसूत्री समविभाजन करेंगे। समसूत्री समविभाजन करने के पश्चात यहाँ पर दो दो कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे, फिर इसके पश्चात जब फिर ये मेच्योर अवस्था में होंगे, क्योंकि क्या ये अवस्था कब तक होगी, जब तक हम लोगों को सात कोशिका व आठ न्यूक्लियेट की संरचना नहीं मिल जाती है तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है। तो गाइज अब यहाँ पर यह जो है दो कोशिका या म्यूटेशन परिपक्व होगा, म्यूटेशन की वजह से फिर से यह समसूत्री समविभाजन करेगा, इसके पश्चात यहाँ पर भी होगा जो निभाग में स्थित है इसमें भी, जो बीजाणुद्वार में स्थित है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि गाइस केवल निभाग वाले में होगा, बीजाणुद्वार वाले में कोशिका में नहीं गाइस दोनों में होगा, जो बीजाणुद्वार की तरफ है उसमें और जो निभाग की तरफ है उसमें भी, दोनों में फिर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन की वजह से गाइस ये चार कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे। अब ये चार कोशिका निर्माण हो गया तो अब यहाँ पर जो उसके आंतरिक भित्त में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं अब ये कुछ सक्रिय प्रक्रिया को करेंगी। तो यहाँ से एक कोशिका यहाँ से निभाग वाले भाग की तरफ से, जैसे मान लीजिए यहाँ बीजाणुद्वार है, यहाँ पर है बीजाणुद्वार और यहाँ पे चैलेजा और इसका इंग्लिश होता है माइक्रोफाइल। तो गाइज अब जो चैलेजा है, चैलेजा की तरफ से जो निभाग है इसकी तरफ से एक कोशिका यहाँ पर आएगी और इसकी तरफ से एक कोशिका यहाँ से आएगी। निभाग की तरफ से एक कोशिका मध्य में गति करेगी और जो यहाँ पर बीजाणुद्वार है यहाँ से एक कोशिका मध्य में गति करेगी। अब गाइज ये जो कोशिकाएं हैं मध्य में गति करने के पश्चात यहाँ पर आपस में आकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और किस प्रकार की संरचना बनाएंगी, दो कोशिका दो केंद्रक। तो अब गाइस यहाँ पर दो केंद्रक का निर्माण हो गया और यहाँ ऊपर बची कोशिका को हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल सेल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिध्रुवी कोशिका। अब गाइस इसका नाम हो जाएगा, ऊपर वाले को बोलेंगे प्रतिध्रुवी कोशिका एंटी पोलर सेल्स और गाइज इसे बोलेंगे द्विध्रुवी कोशिका इसका हो जाएगा डाइपोलर सेल। और गाइज
अब यहाँ पर जो निभाग की तरफ था इसे हम लोग बोल दिए प्रतिध्रुवी कोशिका, और जो मध्य में आया इसे हम लोग बोल दिए द्विध्रुवी कोशिका। तो गाइस अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहाँ से जो बीच वाला होगा इसे हम लोग अंड कोशिका बोलेंगे, और इसके पश्चात जो यहाँ साइड साइड किनारे किनारे पर हैं इसे हम लोग सिनर्जेटिक सेल सहायक कोशिका बोलेंगे। तो गाइस आइए इसका नाम लिख देते हैं, एक ये इसे बोलेंगे सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। सिनर्जेटिक सेल, और गाइस जो बीच वाला है इसे हम लोग बोलेंगे अंड कोशिका, अंड कोशिका। एग सेल, तो गाइस इस प्रकार से होता है। या अब यहाँ पर गाइस जो हो गया, ऊपर निभाग में पाए जाने वाले कोशिकाओं को एंटीपोलर सेल मतलब प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ से जो निभाग की तरफ से एक आया और बीजाणु द्वार की तरफ से दोनों कोशिकाएं आई, आने के पश्चात यहाँ पर मिल करके दो केंद्रीय एक कोशिका का निर्माण करेंगी। तो गाइस इसे बोलेंगे द्विध्रुवी कोशिका। इसके पश्चात यहाँ नीचे जो बीजाणु द्वार की तरफ तीन कोशिकाएं बचेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर चार थी, एक यहाँ आया एक यहाँ से आया, तो यहाँ पर अब ये तीन कोशिका का निर्माण कर दिए। अब तीन कोशिका पर यहाँ पर बचा ही है, निर्माण नहीं किए हैं। फिर यहाँ पर तीन कोशिकाओं में से जो साइड साइड की कोशिकाएं रहेंगे किनारे किनारे की, इन्हें सिनर्जेटिक सेल बोलेंगे, सहायक कोशिका बोलेंगे। इसके पश्चात जो मध्य में है इसे हम लोग अंड कोशिका एक सेल बोलेंगे, अंड कोशिका एक सेल बोलेंगे। अब गाइज हम लोगों को अब यह प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। कैसे गाइज हम लोगों को कैसे संरचना बनाने, सात कोश के आठ न्यूक्लियेट। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए कितने कोश के हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो गाइज क्या हो गया, आठ कोश के। अब गाइज यह ए है, अब यहाँ पर क्या है, सात कोश के हो गया। अब यहाँ पर अब हम लोग आए इसके केंद्रक को देखते हैं। तो गाइज इसका केंद्रक एक ही होगा, क्योंकि गाइज ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, दो कोशिकी व एक केंद्रक और दो कोशिकी संरचना को बनाएंगे। तो गाइज इसका केंद्रक केवल एक ही होगा। डाइपोलर सेल का जो केंद्रक होगा एक होगा। तो गाइज अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अब आए क्योंकि ये दोनों जब जुड़ेंगे ना यहाँ से, तो इनका केंद्रक एक हो जाएगा, कोशिकाएं दो होंगी। तो गाइज अब आइए हम लोग इसके सेंटर केंद्रक को गिनते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो गाइज सेवन सेंटर। तो गाइज हो गया सात कोश की आठ न्यूक्लियेट। गाइज यहाँ पर दो न्यूक्लियेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो एक आएगा और यहाँ से एक आएगा, तो इन दोनों का जो केंद्रक होगा एक हो जाएगा, और ये जो कोशिकाएं हो जाएंगे दो हो जाएंगे, लाइक दैट दिस फिगर, इस फिगर के जैसा, इस चित्र के जैसा। तो गाइज यहाँ पर संरचनाएं कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। तो गाइज अब हम लोगों का जो है गुरु बीजाणु जनन में सात कोश की आठ न्यूक्लियेट मतलब पूरा इसमें मैच्योरिटी आ गई है। अब जो है अब परागकण आएगा, तो इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी तरह से संपन्न होगी, क्योंकि गाइज अब जो हम लोगों का बीजांड है ओव्यूल है या टोटली मैच्योर अवस्था में आ गया है, टोटली परिपक्व अवस्था में आ गया है। तो गाइज आप लोग जान गए फर्स्ट वाले में जो वहाँ पर था प्रपूसी कोशिका के द्वारा एक कोशिका उभरी, फिर उसके पश्चात वह वृद्धि व विकास की, वृद्धि व विकास करने के पश्चात वह उसमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के पश्चात दो कोशिका का निर्माण हुआ, फिर दो कोशिका जो है उसमें फिर म्यूटेशन हुआ मैच्योर अवस्था में, तो चार का निर्माण हुआ। अब चार में से तीन थे जो डिजेनरेटिव हो गए, मतलब पोषण को पाकर पोषण नहीं पाए,
पोषण नहीं पाया तो तीनों नष्ट हो गए, और एक पोषण पाया वह वृद्धि व विकास किया। अब वह एक यहाँ पर वृद्धि व विकास करने के पश्चात फिर इसमें म्यूटेशन की वजह से समसूत्री समविभाजन होगा। समसूत्री समविभाजन के दौरान गाइस फिर से यह दो कोशिका का निर्माण करेगा, फिर ये दो कोशिकाओं में से एक निभाग की तरफ गति करेगा और एक बीजाणु द्वार की तरफ गति करेगा। अब गाइस आप लोग देख रहे हैं एक यहाँ पर चलाया एक यहाँ पर चलाया, अब इसमें फिर से समसूत्री समविभाजन होगा, फिर इसके पश्चात जो है यह फिर दो कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। फिर जब ये मैच्योर अवस्था में आएंगे फिर इसमें समसूत्री समविभाजन होगा, फिर ये जो समसूत्री समविभाजन के दौरान चार कोशिका का निर्माण कर देंगे। अब चार कोशिका में से जो निभाग की तरफ है और जो बीजाणु द्वार की तरफ है, इनमें से एक एक कोशिका मध्य की तरफ गति करेगी। मध्य की तरफ गति करने के पश्चात यह एक कोश की नहीं दो कोश के एक केंद्र की संरचना का निर्माण कर देंगी, कोशिका का निर्माण कर देंगी, जिसे हम लोग द्विध्रुवी कोशिका कहते हैं। फिर इसके पश्चात निभाग की तरफ स्थित कोशिकाओं को एंटीपोलर प्रतिध्रुवी कोशिका बोलेंगे। फिर जो नीचे रहेंगे इसमें साइड साइड वाली कोशिकाओं को हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका सिनर्जेटिव सेल। जो मध्य में रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे अंडकोशिका। तो गाइस अब यहाँ पर हमारा जो है यह ओव्यूल टोटली मैच्योरिटी में आ गया है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा। तो गाइस अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया में टू मेल गैमिट आएंगे। तो जो फर्स्ट मेल गैमिट है यहाँ पर वो यहाँ अंडकोशिका के पास आएगा। अंडकोशिका के पश्चात फर्स्ट मेल गैमिट आएगा और अब फर्टिलाइजेशन क्रिया करने के पश्चात, क्योंकि गाइस जो इसका जो परागकण रहेगा उसके एक परागकण में मेल गैमिट होगा यन और इसकी पोलरिटी यन। हाँ गाइस इसमें एक बात और, यहाँ पर जो इसकी पोलरिटी यन है तो म्यूटेशन की वजह से समसूत्री समविभाजन होगा तो इसकी भी पोलरिटी यन होगी। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया है समसूत्री समविभाजन में कोई भी गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था के उतना ही होता है। तो गाइस अब यहाँ पर जितनी भी होंगे सब यन ही होगा, सबका यन ही होगा गाइज। इसका भी यन, इसका इन तीनों का यन और इसका गाइज। यहाँ पर दो केंद्रक आकर मिले हैं ना, एक यहाँ से आया है एक यहाँ से आया है, तो एक यन यन एक यन ये, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे टू यन, इसकी पोलरिटी टू यन हो जाएगी। क्योंकि गाइज टू यन क्यों होंगे, क्योंकि गाइज आप लोग देख रहे हैं यहाँ से एक कोशिका आया और यहाँ से एक कोशिका, यहाँ पे एक कोशिका यहाँ से आया एक कोशिका यहाँ से आने के पश्चात दोनों का केंद्रक एक हो गया और दो कोशिका हो गया, तो इसकी पोलरिटी टू यन हो जाएगी। और जो अंड कोशिका की पोलरिटी रहेगी यन, सिनर्जेटिव सेल की पोलरिटी यन, सिनर्जेटिव सेल की पोलरिटी यन। तो गाइज अब जो मेल गैमिट आएगा पराग नलिका पालन ट्यूब के द्वारा, तो यहाँ वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जो यह है एग सेल प्लस फर्स्ट मेल गैमिट के पश्चात यह भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। और गाइस इस निषेचन को हम लोग बोलते हैं ट्रू निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और गाइस जो दूसरा मेल गैमिट होगा, अब जो सेकंड मेल गैमिट होगा वह एंटीपोलर सेल के पास आएगा। तो द्विध्रुवी कोशिका तो मतलब टू यन प्लस यन यह सेकंड मेल गैमिट हो जाएगा ना। तो यह जो गाइज यहाँ पर है द्विध्रुवी कोशिका पोलरिटी यन और जो दूसरा परागकण रहेगा उसकी पोलरिटी यन, तो दोनों मिलकर थ्री यन पोलरिटी का बना देंगे, तो यह धीरे धीरे इसी को बोलते हैं त्रिसमेकन क्रिया। फिर इसके पश्चात यह जो होता है कुछ समय के पश्चात PEN का निर्माण कर देगा, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। फिर धीरे धीरे यह जो जाएगा एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देगा, भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक। गाइस यह जो भ्रूणपोष का निर्माण कर देगा, यही भ्रूणपोष बीज में उपस्थित होता है। जब बीज अपने अनुकूल वातावरण पाता है तो वृद्धि व विकास करता है। अभी गाइस मैंने जो आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि गाइस जो दोहरा निषेचन होता है उसमें टू मेल गैमिट आएंगे,
फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल से अपक्रिया एक सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसे ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसे वह एम्ब्रियो का निर्माण कर देगा, भ्रूण का। और जो सेकंड मेल गैमेट रहेगा एंटीपोडल सेल के पास जाएगा त्रिसमेकन की क्रिया के द्वारा प्राइमरी इंडोस्पर्मिंग न्यूक्लियस PEN का निर्माण करेगा, फिर इसे हम लोग धीरे धीरे एम्ब्रियो से एक भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। तो गाइज अभी ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये तो ऐसे ही बता दिया। तो गाइज आप लोग समझ गए इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अंत में क्या मिलता है हम लोगों का, तीन प्रतिध्रुवी कोशिका, एक द्विध्रुवी कोशिका और दो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका। तो गाइज आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो गाइज बस आज का लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।